इतनी बड़ी लानत है हम लोगों पे कि अभी इंडिया मना करेगा कि हम नहीं आएंगे चैंपियन ट्रॉफी तो हम जाएंगे उसके बावजूद मेरे भाई ये जो एशिया कप 2025 हो रहा है हम ये भी खेलने जा रहे होंगे ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ ठीक है वेल्डन जय शाह साहब एक तीर से दो शिकार करे आपने अब एक चीज सामने आई कि एशिया कप एक्चुअल में दो एशिया कप का जो वेन्यू सामने आया एक ये कि 2025 एशिया कप जो टी ट्वेंटी फॉर्मेट में होगा और दूसरा एशिया कप जो वनडे फॉर्मेट में होगा दो का एशिया कप उन दोनों के वेन्यू सामने आए हैं और दो का यानी जो आइंदा बरस में एशिया कप होना है वो वेन्यू है भारत अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई और इसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज्यादा इसको जो है वो हाइप दी जा रही है कि अब जो बी सी फंस चुका है भाई अब बी के पास पाकिस्तान में आके खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी तो एशिया कप में पाकिस्तान भी अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा बातें कर रहे हैं ना भाई जाएंगे खेलने के लिए ठीक है और दो का जो टी वर्ल्ड कप है भारत के अंदर हम वो भी खेलने जाएंगे लाजमी ये आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको हमोशी से इंडिया जाओ क्रिकेट खेलो जीत के इवेंट्स हारते हैं, हारते हैं, तो फिर आई थिंक सो के आपको उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं है आपके पास वो वो चीज कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बात करने का और हम ही हमारे लोग इधर बैठ के फजूल बातें करेंगे यार हम नहीं आएंगे हम धमकियां दे रहे हैं बाढ़ में जाओ वो शायद अफरीदो उद तो के कह रहेगा जी इंडिया से हमें कोई अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए वो हमारा दुश्मन मुलेगा अगर पाकिस्तान में जिस तरह की हरकतें चलवा रहे हो ये जी एशिया कप के भी धमकियां जो देनी आपने शुरू कर दी हैं तो बेटा इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि आप पाकिस्तान जाके खेले ऐसे ही है ना मेरे भाईयों आप लोग के तो माशाला टी पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं ऐसे ही है उन्होंने ये गेम खेला कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा ये तो लिख लें एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा हाईब्रिड मॉडल की बात बोलें ना हाईब्रिड मॉडल गया बाहर में अभी अब ये बात होगी और एक लॉलीपॉप और भी हो सकता है कि हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल करा लेंगे आप भी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल करा ले दो चीजें हैं जिसका मैं कह रहा हूं एक तीर से दो शिकार ये शाह साहब मांगे आपका जहन बहुत चलता है आपके लिए स्पेशली तालियां लेकिन आपके सामने जो बंदा इस वक्त चेयरमैन पीसीबी बना हुआ है ना ये भी आग पर पाए का ही बंदा है ये जहन में रखिएगा अच्छा मोहसिन नकवी साहब बताओ क्या सोच रहे थे बोल सोरेता हूँ दो हजार छब्बीस का तो, क्या किसने देखा किस दो साल में मैं हाँ। दो साल पढ़े क्या पता मैं अभी दो हजार पच्चीस में, चेंज हो <laughs> में नहीं कोई और, उसकी फटी है अब मोहसिन बोला उस्ताद ये क्या हो गया मतलब दो हजार छब्बीस का बातें कर रहा था ठीक है ये तो दो हजार पच्चीस में एक और इवेंट लिया इंडिया के अंदर भाई ताली अब ऐसे नहीं बजेगी ये याद रखी गा जुमला ताली ऐसे बजेगी अब आपको खुल के आना पड़ेगा सामने कि भाई एशिया कप इंडिया में होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें जाना पड़ेगा अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा हाँ आप, आपके माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बोलते ना बगैर पाकिस्तान के एशिया कप भी करा लें आप और वर्ल्ड कप भी करा लें चलें हम भी देखते हैं जो ब्रॉडकास्टर है ना ना घाटे में रहे मेरा नाम बासिद अली नहीं चले जितना उनका स्ट्रांग बोर्ड है ना लिटरली उनको फर्क नहीं पड़ेगा ये एक सच्ची बात है आप ना खेलने जाओ एशिया कप नहीं फर्क पड़ेगा उनको उनको नहीं पड़ेगा यकीन कर लो ना तो उनकी कोई इकॉनमी में फर्क आएगा ना उनका कोई बोर्ड आपके ना जाने से गरीब हो जाएगा उनका ए, किसी भी टूर्नामेंट की व्यवरशिप किसी भी टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप या ब्रॉडकास्टिंग अगर मैं बात करूं ना तो जिन लोगों से आते हैं ना वो ये दो तीन लोग हैं ये विराट कोहली रोहित शर्मा या टीम इंडिया कर लो आप मतलब इन लोगों से व्यूवरशिप आती है आपसे तो आती ही नहीं है व्यवरशिप आप जाओ ना जाओ एक बराबर ही है इस बात को आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया तो ये जो घंटे के आगे क्या रहे हैं ना नीचे कि हम नहीं जाएंगे अब हमारे पास भी ऑप्शन है बाहर में जाए इंडिया ये वो फलाना टमकाना बंदे के पुत्र बन जाओ बंदे के बच्चे बन जाओ इतनी बड़ी लानत है हम लोगों पे कि अभी इंडिया मना करेगा कि हम नहीं आएंगे उसके बावजूद मेरे भाई ये जो एशिया कप दो हो रहा है हम ये भी खेलने जा रहे होंगे ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ ठीक है जो लोग बातें कर रहे हैं ना भाई जाएंगे खेलने के लिए ठीक है और 2026 का जो टी वर्ल्ड कप है भारत के अंदर हम वो भी खेलने जाएंगे लाजमी ये आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टर भारत में चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान पहले ही परेशान था कि एशिया कप 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है एसीसी के मुताबिक एशिया कप 2025 भारत होस्ट करने वाला है वही 2027 का एशिया कप बांग्लादेश होस्ट करेगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने भारत पाकिस्तान जाएगा या फिर नहीं ये अब तक साफ नहीं हुआ है ऐसे में एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान को भारत आना पड़ सकता है आज दिन भर पाक मीडिया एशिया कप 2025 को लेकर बड़ा उछलता रहा जो इंडिया में होना है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने भारत नहीं जाएगा लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान आए इसको लेकर पाकिस्तानी जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं वैसे पाकिस्तान एशिया कप के लिए भारत आने से मना भी कर देता है तो भी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे बीसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकता है वैसे पाकिस्तान एशिया कप के लिए भारत आने से मना नहीं कर सकता क्योंकि मना करने के लिए भी आपकी कुछ है जरूरी होती है और न ही इनकी टीम अपने खेल के जरिए क्रिकेट के मैदान पर झंडे गाड़ रही है और न ही इनके क्रिकेट बोर्ड की कई पर सुनी जा रही है फिर किस मुँह से पाकिस्तानी मना भी कर सकते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक 2025 का एशिया कप जो भारत में खेला जाना है वो टी वर्ल्ड कप दो को मद्देनजर रखते हुए टी फॉर्मेट में खेला जाएगा वही दो में जो एशिया कप बांग्लादेश में खेला जाना है वो ओडीआई वर्ल्ड कप दो के चलते वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा इन दोनों एशिया कप में तेरह तेरह मैच खेले जाएंगे ए के जारी डॉक्यूमेंट में ये भी कहा गया है कि शेड्यूल तारीख फॉर्मेट और वेन्यू सहित ये सभी जानकारी एशिया क्रिकेट काउंसिल की ओर से बदली भी जा सकती है एशिया कप की शुरुआत उन्नीस में हुई थी तब से लेकर अब तक इस टूर्नामेंट के 16 एडिशन खेले जा चुके हैं लेकिन भारत ने इससे एक ही बार एशिया कप की मेजबानी की है इंडिया ने उन्नीस सौ में एशिया कप की मेजबानी की थी तब ये टूर्नामेंट भारत ने ही जीता था ऐसे में 2025 का एशिया कप काफी खास रहने वाला है ये टूर्नामेंट भारत में चौतीस साल बाद खेला जाएगा टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम रही है आठ बार भारतीय टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है वही श्रीलंका छह बार एशिया कप जीतकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान के खाते में दो बार ही एशिया कप की ट्रॉफी आई है 2023 में जो एशिया कप खेला गया था उसकी मेजबानी पाकिस्तान समेत श्रीलंका ने भी की थी और भारत ने अपने सारे मैच पाकिस्तान जाने की बजाय श्रीलंका में खेले थे और फाइनल में श्रीलंका को हरा एशिया कप का चैंपियन बना था दो हजार में होने वाले एशिया कप में छह टीम में हिस्सा लेंगी भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान और छठी टीम क्वालिफाई राउंड के जरिए तय होगी बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे ही वीडियो के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करे मैं मिलता तो हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत